मेरा नाम सविंदर सिंह कपूर है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मैं ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज में ट्रेडिंग करता हूँ। मेरा नाम हरमीत कौर कपूर है, मैं भी मुंबई में ही रहती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ में एक टीचर भी हूँ। इनमें एक अच्छी आदत मैं बताना चाहूँगा कि ये काफ़ी केयर टेकिंग और एक अच्छी कुक भी हैं और हाउसवाइफ भी हैं, और एक बुरी आदत इनकी ये है कि ये बहुत सारी शॉपिंग करती हैं। इनकी अच्छी आदत ये है कि ये बहुत प्यार करते हैं, और इनकी बुरी आदत है कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। हेलो, मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ एज अ सेल्स मैनेजर। हाय, आई एम लक्ष्मी, मैं भी मुंबई से बिलोंग करती हूँ एंड मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करती हूँ। इनके बारे में जो अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि ये मेरा, मेरे बेटे का और मेरे घर का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं। बुरी बात लगती है कि अपना ज़रा भी ख्याल नहीं रखती है, मेरे लाख कहने के बावजूद भी अपना ध्यान नहीं रखती हैं, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये बताइए, अर्धांगिनी कैसे बनी, कहाँ मिले, प्यार हुआ कि अरेंज मैरिज है कैसे? नहीं, ओवरऑल अरेंज मैरिज है हमारा। अरेंज मैरिज है, हाँ। मतलब जो मेरी सिस्टर है, जहाँ पे उनकी शादी हुई है, मेरी सिस्टर की ननंद के रिलेशन में ये आती थी, और फिर इनके भाई साहब और इनके पिताजी, मतलब मेरे फादर इन लॉ ने मेरे जीजा जी को कॉन्टेक्ट किया, और जीजा जी के साथ फिर वो आए थे मुझे देखने के लिए विदाउट इन्फॉर्मिंग मी। आई वॉज इन ऑफिस दैट टाइम जी, एंड मेरा ऑफिस मेरे घर के पास था। तो थैंकफुली जीजा जी ने जब मुझे फ़ोन किया तो ऐसा, ठीक है जीजा जी, आप 10 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ करके, और मैं मिलने के लिए आ गया। तो मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे देखने आया है, और मैं जस्ट घर पहुंचा, जीजा जी ने फिर मुझे इंट्रोड्यूस कराया इनके डैडी से और भैया से, फिर मुझे बताया कि ये देखने के लिए आए हुए हैं। शॉक फॉर मी। तो फिर वो बोले कि नहीं ठीक है, इनके पेरेंट्स को और इनके भैया को, मैं नॉर्मली उस समय बातचीत में या जो भी बोल ले, उनको पसंद आ गया था। तो उन्होंने बोला एक फोटोग्राफ्स मिलेगा, तो मेरे पर्स में एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ था, पासपोर्ट के साइज का फोटोग्राफ्स, वो मैंने उनको दिया। जी कपूर साहब, हमारे भी इसी तरह की ऑर्थोडॉक्स जैसे शादी हुई है, कोई मिले नहीं हम लोग भी कोई शादी में। हमारा भी मतलब मेरे जो मेरे फादर इन लॉ जो हैं, उनका आपस में मतलब रिलेशन थे, पूना से हैं ये, मेरे नाना जी भी पूना के ही हैं। तो उन्होंने वहाँ पे बात कर दी, भाई मेरा ऐसा है बेटी का, भाई दोता वहाँ पे है, थाना में है, तो ऐसे बात चला दी वहाँ पे। हमको कोई पता नहीं, कुछ नहीं है कि बात चला दी है, कुछ नहीं पता, उन्होंने अरेंज कर दिया। हमारे में गुरुद्वारे में दिखाने का करते हैं, गुरुद्वारे में उन्होंने अरेंज कर दिया होगा। गुरुद्वारे में बैठे, ये भी आई, इसने भी घूंघट ऐसे ही निकाला हुआ, गुरुद्वारे में आके बैठ गई। अब हम बैठे हैं, एक 40-50 फीट्स का तो डिस्टेंस है, ना मेरे को दिख रहा है, ना कुछ है, ना समझ है, मैं झुक झुक के देख रहा हूँ, भाई दिखे ये कुछ दिख रहा है। वो याद करके भी अभी बहुत हंस रही है, बहुत मजा रहा है। वो तो दिखे नहीं, इनकी चाची थी। बोला गया वापस से, तो मेरे को चाची पूछती है, देख लिया? बोला चाची जी मेरे को तो दिखा नहीं कुछ, वापस एक टाइम देखना चाहता हूँ। बोलते अच्छा फिर से मिलना है? बोला हाँ। बोले ठीक है, फिर बैठा दिया और फिर मैं वहीं बैठा हूँ। बोला अब क्या है, कोई चारा तो है नहीं भाई, सबको पूछा भाई ठीक है? बोलते हाँ ओके। बोला ठीक है फिर, ठीक है सबका ओके है। तो बस वहीं फिर मिठाई वगैरह खिलाई और हो गया, बात पक्की हो गई। अच्छा पहली बार कब देखा क्या? हाँ, इस इन्होंने एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के टाइम पे ही। हाँ। और उसी टाइम स्टेज चढ़ते, ये सामने थी, तो मैंने इशारा किया तो वो भी कैप्चर हो गया इसके अंदर, कैमरे के अंदर। मैं फिर मौका ढूंढ रहा था, एंगेजमेंट हो गई, अब तो कुछ मिलने का बहाना बने या कुछ है। तो हम लोग में भी ड्रेसेस लड़की के हमारे तरफ से सिलते हैं और हमारे ड्रेसेस कुछ वो ड्रेस देते हैं शादी का। मैंने इसके ड्रेसेस वगैरह लिए, पूना गया, जैसे मैंने बेल मारी नाना जी का, तो देखते खड़े हो गए, तू यहाँ कहाँ आ गया? मैं बोला अरे नाना जी खबरदार, तू आया क्यों इधर पहले कपड़े लेके? बोला नाना जी कपड़े उसके लेके, कपड़े यहाँ रख दे और शाम की गाड़ी पकड़ के वापस चला जा। वहाँ पे भी फोन, मैंने इसको फोन किया था, मैं बोला आऊँगा तेरे को मिलूंगा मैं कॉलेज के, इधर किधर ये वेट करती रह गई। मैं वहाँ से रिटर्न शाम की गाड़ी पकड़ के फिर से वापस भी आ गया। कोई मिलने नहीं दिए, कुछ नहीं, शादी के पहले कोई मिलना नहीं है, कुछ नहीं है। एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में कोई बात नहीं, हमारी जो है शादी के बाद ही समझा, पसंद नापसंद सब कुछ। जान लेते हैं कि आप दोनों की लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में आप कितना अच्छा जानते हैं, और कुछ आपके बारे में जान लेते हैं कि आपकी सोच आपके पार्टनर के लिए कैसी है। ओके, तो हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, तैयार आप एक्टिविटी के लिए? तैयार, एकदम तैयार। चलिए तो शर्मा जी ये पहले दे दे। ये लीजिए। ये दो तरह के प्लेकार्ड्स हैं, एक में लाइक है और एक में डिशुम है। डिशुम। लाइक का मतलब जो चीज आपको अच्छी लगती है, और डिशुम वो चीज जो आपको टॉर्चर या आपको अच्छी नहीं लगती है। हाँ, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, फिर एक कपल का नाम लेंगे, फिर आपको दिखाना है उस सिचुएशन के लिए या तो आप लाइक देंगे या डिशुम देंगे। ओके, रेडी? आपकी पत्नी का हेयर स्टाइल दोनों का डिशुम?
आपको अपना हेयर स्टाइल पसंद नहीं है? आज की बात नहीं, हमेशा की बात, मतलब रखती है एकदम नॉर्मली, थोड़ा भी ध्यान नहीं रखती मुझे, थोड़ा उलझे हुए मैसी वाल के साथ। चलो ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है, तैयार हो निकल गए घर के, जो पसंद नहीं। भाभी जी के हेयर स्टाइल मामला अभी तक दिख ही रहा है, ऐसे कुछ लटकन वगैरह मोती उशोती है सब बाल। मैंने वैसे भी बोला था जाके दो तीन दिन इसको हेयरसेल में हिलाना नहीं। आपके पतिदेव का ड्रेसिंग सेंस आप बताइए, आप बताइए, आपका ये जो शॉपोहोलिक नेचर है उसका बच्चे पे कितना असर पड़ा है? वो मेरे जैसा ही है, और उसे कुछ भी चाहिए तो उसे पता है कि मम्मा नहीं पापा, वो पापा को फोन करेगा कि पापा आज ये चाहिए, मतलब उसे जो भी चाहिए उसे पता है मम्मा नहीं देगी, मम्मा कुछ ना कुछ एक्सक्यूज दे देगी और कुछ देगी नहीं, तो वो पापा के पास ही जाता है, पापा को ही अप्रोच करता है कि पापा मुझे ये चाहिए। अच्छा बार्गेन करते हैं? नहीं मैं बार्गेन नहीं करता, ये करते हैं। आप करती है तो जान ले लूं सामने वाले की। सामने वाला ले जा मैडम फ्री में ही ले। ये कमाल का किस्सा है, वो शॉपोलिक वो बार्गेनिंग करते हैं, ये बार्गेनिंग। जिनको मालूम है बजट जिनको चलाना है तो वो ही करेंगे ना बार्गेन, हम क्यों करें, हमें तो पसंद करनी है। आप बार्गेन क्यों नहीं करते? जैसा मिसेस कपूर ने बोला है कि बाकी तो फिर जो चीज पसंद आ गई, अगर समझो आज मैं मॉल में गया पसंद आ गई तो फिर ठीक है लेना है, तो फिर जो प्राइस है ऑन प्राइस है एमआरपी है उस पे। आपको ज्यादा शॉपिंग क्या करना पसंद है, ब्रांडेड आइटम्स या स्ट्रीट शॉपिंग करना पसंद? मुझे है कि जो चीज अच्छी लगे बदन पे, नहीं झुंझुना बेचने वाला भी दिख जाए ना। आपका किस टाइप का शॉपिंग है, ब्रांडेड ही चाहिए या स्ट्रीट शॉपिंग भी चलेगा आपको? ब्रांडेड में कम जाती हूँ मॉल में, क्यों? क्योंकि वो वन पीस नहीं रहता है, मेरा वन पीस का ही किस्सा है कि मुझे यूनिक चीज चाहिए, जो मैं पहनूंगी वो दूसरे ने नहीं पहननी चाहिए, तो मैं ब्रांडेड में कम जाती हूँ। वन पीस वाले लोग मिल जाए तो वन पीस वाली चाहिए मुझे जी। तो पसंद आए, अगर 10 का भी लॉट उसके पास 100 का लॉट है तो उसमें एक ही पीस वैसा होना चाहिए, तो वो पीस ले, वही पीस मैं लूंगी। भाभी जी जी बोलिए, आपके किस्से में क्या है, ये जो शॉपिंग का जो जुनून है, ये बीमारी है क्या? सेटिस्फेक्शन है, स्ट्रेस बस्टर है। स्ट्रेस बस्टर नहीं है, स्ट्रेस तो मुझे रहता ही नहीं। मैं स्ट्रेस देती हूँ ना। स्ट्रेस बस्टर नहीं हो सकता है, शौक है, शौक ही है। इनफैक्ट वही बताया आपको, हम लोग भी एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही आए हुए हैं, तो पेरेंट्स साथ में, उनका आशीर्वाद है, तो उस हिसाब से चल रहा है हमारा सब कुछ। ये शौक है, बस शौक है, इसका शौक है, और मैं नहीं चाहता, जैसे वो बताया हमारे भी बचपन में कोई शौक पूरे हुए नहीं है, लेकिन ये करती है तो मेरे को खुशी है कि चलो किसी वजह से इसके शौक पूरे हो रहे हैं, वो हिसाब से मिलती है। हां बस क्या चाहिए, बस। देखिए शर्मा जी, आज इन सब की बातें सुनकर मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि कभी कभी शॉपिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इससे आगे जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग का थॉट भी मेरे दिमाग में आएगा, उसे अगर मैं कंट्रोल करना चाहूंगी तो मैं उसके लिए एक रूल अपनाऊंगी, जो होगा शॉपिंग से सुरक्षा। शौक लगा, दर्द हुआ क्या? मेरे शॉपिंग के बारे में सुनते ही आप इतने क्यों दुखी हो जाते हैं? क्या करें जिससे आपका दुख कम हो जाए? शर्मा जी, शर्माइन जी, हम एक काम करते हैं, एक गेम की तरफ बढ़ते हैं। ओके, गेम खेलते हैं। तो तैयार है आप हमारा गेम खेलने के लिए? यस यस। गेम का नाम है चल हवा आने दे। ओके। गेम बड़ा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे के सारे ग्लासेस गिराने हैं बस मिलके। तैयार है आप? इतना आसान नहीं है। आपको हवा से गिराने हैं, वो भी कैसे? हम आपको बलून देंगे, बलून में आपको हवा भरनी है और वो हवा छोड़नी है आपको इन ग्लासेस पे और गिराने, हाथ नहीं लगना चाहिए, सिर्फ हवा से ग्लासेस गिरने चाहिए। जिसका टेबल सबसे जल्दी खाली होगा वो हमारा होगा विनर। सिंपल, बलून दीजिए। चलिए जी, रेडी है? 3, 2, 1 गो। नीचे गिराना टेबल के, वेरी गुड, टेक्निक यूज कीजिए। हाथ नहीं लगना चाहिए, हाथ नहीं लगना चाहिए किसी भी ग्लास को, हाँ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे काम आवाज़ हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओह वेरी गुड। Ha 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 ha
चलिए चलिए बात बढ़िया बात अरे की वेरी नाइस वेरी नाइस भाभी जी इतना मत खींचो उसको सिंपल है यार सो नाइस तीन ही बच्चे वो निकल गया आगे वो निकल गया दो बच्चे ये वेरी गुड स्टॉप 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 तो हमारे आज के इस गेम के विनर्स बहुत क्लियर हैं हमारे गेम के विनर और आज के ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस कपूर चलिए शर्मा जी हमारे शॉपिंग बाबी के लिए तैयार करो हम खरीद कर ये दुपट्टा लाए हैं मेरा नाम चेतन ठक्कर है मैं सांगली से बिलोंग करता हूँ और मैं बाय प्रोफेशन सॉलिसिटर हूँ मेरा नाम शिल्पा ठक्कर है मैं भी एक लॉयर हूँ पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई शिल्पा की अच्छी आदत बताएं तो वो हर चीज़ में बहुत पर्टिकुलर है बुरी आदत बताएं तो बहुत सफाई पसंद है मेरा नाम प्रेम शाहानी है मैं बॉम्बे का रहने वाला हूँ मैं बाहर काम करता था वहाँ ट्रैवल एजेंसी चलाते थे अब मैं रिटायर हूँ और अपने बच्चे के साथ ख्याल रखता हूँ उसका मेरा नाम अरुणा शाहानी है 20 साल के लिए आउट ऑफ इंडिया रही थी जहाँ मैं नौकरी करती थी यहाँ आकर आई एम लीडिंग अ नॉर्मल हाउसवाइफ लाइफ इनकी बहुत अच्छी बात है कि हमेशा सिंसेरिटी बताती है और बुरी बात यह है कि सबके ऊपर विश्वास करती है तो मिस्टर शाहानी आप अपनी लाइफ के बारे में बताइए आप कैसे मिले कहाँ मिले शादी कैसे हुई लव मैरिज शादी कैसे हुई मैं ट्रेवल बिजनेस इनके ऑफिस में जा रहे थे नहीं बट पहले लव मैरिज अरेंज मैरिज वो तो पता ही तो वहीं से शुरू हुई थी अच्छा सस्पेंस है ओके हाँ जी इनके बात से मिलने के लिए जब मिडिल मैन सो हैड टू मीट एवरी टाइम टू टॉक टू अच्छा तो वहाँ मिलते मिलते इनसे जान पहचान हो गई फिर टेलीफोन शुरू हो गए एक लाइकिंग हो गए देन एक दिन मिले साथ में बातचीत की आपस में तो अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्होंने भी मान लिया फिर हम लोग कुवैत में एंगेज हुए थे 1974 में अच्छा। उनके भी पेरेंट्स वहाँ पे थे मेरे भी पेरेंट्स वहाँ पे थे ओके तो वहाँ से शुरू हुआ अच्छा। 74 अगस्त 15 को शादी हुई थी तब से साथ में है तो ये अ लव स्टोरी ऑफ 1974 है एब्सोल्युटली शादी बॉम्बे में हुई थी हम लोग आए थे यहाँ पे जी मिस्टर मिसेस ठक्कर आप बताइए लव मैरिज है अरेंज मैरिज है बकायदा लव मैरिज है बकायदा लव मैरिज तो हमारा तो उदाहरण लव एट फर्स्ट साइट का एपिटोम है पहला दिन था कॉलेज का मैं सांगली से हूँ ग्रेजुएशन करके बंबई आया यहाँ पे हॉस्टल में एडमिशन चाहिए था तो LLM के लिए शुरुआत की मास्टर्स इन लॉ एक ऑफिस में काम करता था फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज दौड़ते दौड़ते पहुंचा 7 बजे का लेक्चर 7:10 हो चुके हैं जैसे ही आता हूँ पहली नज़र फर्स्ट बेंच पे बैठी हुई लड़की पर पड़ती है और कहाँ LLM में तो मास्टर ऑफ लव हो गया ऐसा हो गया क्या बात मैं बस लास्ट बेंच पहुंचा कौन प्रोफेसर थे क्या सब्जेक्ट था हमें नहीं याद हम तो इनको देख रहे थे एब्सोल्युटली लव एट फर्स्ट साइट नॉट फॉर मी देखिए आपके पास दो प्लैकार्ड्स होंगे अगर आपका जवाब लाइक है तो आप ये लाइक दिखाइएगा अगर डिशुम है तो अपने पार्टनर को डिशुम करके दिखाइए बिंदास आप डिशुम कर भी सकते हैं ये लीजिए तो पहला सवाल है आपके पार्टनर का हेयर स्टाइल लाइक कर लाइक हाँ मिस्टर मिस्टर चक्कर आप बताइए आपके पार्टनर का ड्रेसिंग सेंस क्या बात है आपके पार्टनर की आवाज मिस्टर मिसेस ठक्कर ओके आपके पार्टनर का आवाज बिल्कुल टू लाउड क्या बात है सही में पड़ोसी ताली बजाते हैं ये नहीं बजाती है जी आपके पार्टनर का खाना बनाना पहले लाइक उठाया था फिर डिशूम किया क्योंकि याद आ गया कि बोल दिया ऐसे मिस्टर मिसेस ठक्कर माता पिता बनने के बाद आपकी लाइफ किस तरह चेंज हुई
एक्चुअली बोथ ऑफ अस आर प्रोफेशनल्स, हम दोनों, एंड मैं भी लॉयर हूँ, तो हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया था बिकॉज हम अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे थे कि वील वेट फॉर सम टाइम एंड फिर हम अपना बेबी प्लान करेंगे. स्पर्श आया हमारी लाइफ में फोर एंड हाफ ईयर्स के बाद, एंड ही वॉज बॉर्न अ नॉर्मल चाइल्ड. वो बिल्कुल ठीक था, उसके सारे माइलस्टोन्स अच्छे थे. इनिशियली उसको प्रॉब्लम थी थोड़ी, वो नेक अपनी टेढ़ी रखता था, तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते थे एंड उन्होंने बोला ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाती है, बहुत सारे बच्चों को होती है इंडिया में, ठीक हो जाएगी. ये 10 months पे खड़ा होने चलने लगा था, एक साल तक ही बस वॉकिंग, बाद में दौड़ता भी था. तो हमने देखा कि ये टोज पे खड़ा हो रहा है. आई जस्ट आस्क्ड उनको, फिजियोथेरेपिस्ट को पूछा कि ये टोज पे क्यों खड़ा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि इसका टेंडन टाइट है, होता है कभी कभी, वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा. बट जब तक ये 4 साल का होने लगा, 3.5 साल का, इसका चलना काफ़ी ऑन टोज हो गया. तो फिर देर इज, हमें लगा कि हमें बेस्ट डॉक्टर पास ही जाना है, इसे क्या कराना चाहिए, वी शुड फाइंड आउट. हम पीडियाट्रिशियन है सांता क्रूज में, उनके पास पहुँचे. उन्होंने इसको देखते ही हमें बता दिया कि आपको तो ये पता ही नहीं है कि आपके बेटे को है क्या. And then finally the result, she sent us to the best of the places, कि यहाँ पर आपको result पता चलना चाहिए. And then we came to know कि इसको muscle weakness है. हम बहुत shock हो गए. ये है हमारे दो heroes, Rishi and Sparsh, right? जी. So Rishi. तो Rishi, अपने बारे में कुछ बताइए हमें. मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत खुश हूँ. मुझे मैं खुश हुआ. मुगांबो खुश हुआ. क्यों मुगांबो खुश हुआ? जो भगवान है, भगवान ने हमको अश्व दिया. दुनिया में एक भगवान है जी. वो है हनुमान. अच्छा, आप हनुमान जी में विश्वास रखते हैं? हाँ. क्यों ऐसा? हनुमान जी में क्या खास? उसको बहुत ताकत है जी. जो मैं बहुत टेंशन है, मैं प्रे करता हूँ आगे बंद करेगा. अब लोग से हम लोग शरीर में क्विक होकर मिला, अंदर से वो मैसेज आ गया, बोला से मिनट से खोलो. वेरी गुड, वेरी गुड. स्पर्श, आप बताइए अपने बारे में. मेरा नाम स्पर्श है, मैं 11 साल का हूँ और मुझे बहुत खुशी है इधर आके. अरे वाह स्पर्श, हम बहुत ज्यादा खुश हैं आपको यहाँ पाकर. क्या क्या खुशी हुई आपको ऐसे यहाँ पे आके? एक्सपीरियंस है. वेरी गुड. स्पर्श, आपको क्या क्या अच्छा लगता है लाइफ में, क्या क्या करना अच्छा लगता है? मुझे फुटबॉल पसंद है, मुझे रीडिंग पसंद है जी, मुझे लिखना भी पसंद है. तो स्पर्श, चलो हमें बताओ बड़े होके क्या बनना है? फुटबॉलर. आपका ड्रीम फुटबॉलर बनने का है? क्या बात है, चलो पक्का, बहुत जल्दी हम देखेंगे. हाँ पक्का, वेरी नाइस. ऋषि, व्हाट्स योर ड्रीम? म्यूजिकल कीबोर्ड मास्टर. कीबोर्ड मास्टर? कीबोर्ड मास्टर. अच्छा. सिंगिंग क्लासेस? ओए. अच्छा, सिंगिंग क्लासेस. अच्छा मिस्टर मिसेस ठक्कर, आपके क्या सपने हैं अपने बेटे को लेकर? उसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, कहीं किसी भी ऑर्केस्ट्रा में ज्वाइन करे, वहाँ बजा सकते हैं और डांस भी कर सकते हैं साथ में. उसमें क्या कि बॉडी भी एक्सरसाइज के लिए हो जाएगी और जब भी ओपन एरिया में करते हैं तो ही गेट कैरियड अवे, ही कैन एंजॉय हिमसेल्फ, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है. उन्होंने कमेंट में 200 डांस शो किए हैं इन बॉम्बे में, दिल्ली भी शाम लेके गए थे, और जब जब बड़ा क्राउड देखता है तो ही इंजॉयज मोर देन दैट. अच्छा. तो उसको बहुत शौक है कि यू नो क्राउड में डांस करना, एंड डजंट फील शाय, उसको ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है दिखाने के लिए. तो हमें झलक देखने को मिलेगी डांस की, हम म्यूजिक बजाए. यू विल डांस? डांस करेंगे? हो जाए, हो जाए. कौन से गाने पे डांस करेंगे? इधर सरप्राइज है ना. अच्छा, क्या सरप्राइज है. हेलो हेलो, तू फ्लोर्स पे जब है आई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई. लड़के ये दिल छनछन बोले, हमने सारी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी, कर ले गल्ला पूड़ियां. हेलो हेलो, से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना. तो
तो तैयार आप हमारा गेम खेलने के लिए? यस। हमारे गेम का नाम पता क्या है? हवा हवा ए हवा ग्लास गिरा दे। अच्छा तो गेम ऐसा है, आप जैसे देख रहे हैं आपके सामने ग्लासेस हैं, आपको वो ग्लासेस लेके जाने हैं और अपने अपने बास्केट में डालने हैं। हाँ। मगर इतना आसान तो नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करना पड़ेगा। तो वो ग्लास आपको उठाने हैं, लेकिन बलून से, उसके अंदर बलून डालना है, बलून फुलाना है, तो वो ग्रिप पकड़ लेगा, वहां जाके हवा निकालनी है, हाथ का प्रयोग नहीं करना है और ग्लास उसमें डालना है। जो कपल सबसे पहले सारे ग्लासेस उस बास्केट के अंदर डालेगा वो होगा हमारा विनर। तो स्पर्श एंड ऋषि आप स्टार्ट करिए गेम को। हाँ अनबॉक्स गेट सेट गो। यस हाथ नहीं लगाने हैं। हाँ यस यस वेरी गुड यस ओह वेरी गुड वेरी गुड शाबाश। अब हम गो बैक गो बैक भागिए भागिए भाभी जी भागिए पास पास लिखिए पास। वेरी गुड वेरी नाइस वेरी गुड मिस्टर मेजबानी आप भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। कम ऑन वेरी गुड क्या बात है वहां का सीन है सुपर बाहर नहीं गिरना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड आई वांट टू गेट फास्टर मो नितिन मो फास्टर वेरी गुड मिस्टर मिसेस शानी एंड आराम से मैं मंदार कुलकर्णी मैं थाना से बिलोंग करता हूँ। एज अ प्रोफेशनल मैं सीनियर डिजाइनर ऑयल एंड गैस में काम कर रहा हूँ। हाय आई एम हर्षला हम लोग थाना में रहते हैं और मैं प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और फिलहाल मेरे बेटे के लिए मैं घर पे ही हूँ। इनके बारे में अगर कोई भी अच्छी बात मुझे कहनी है तो अच्छी बात यह है कि मेरा कुछ भी डिसीजन हो वो डिसीजन में ऑलवेज मुझे इनके पास से सपोर्टिवनेस यस ही मिलता है। इनकी अच्छी बात जो मुझे बहुत ही दिल से अच्छी लगती है वो ये है कि इनका दिल बहुत अच्छा है। हाय मैं रॉजर हूँ और मैं दिल्ली से हूँ, फिलहाल मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मेरा नाम मोइलिन है, मैं मुंबई में रहती हूँ, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ। मुझे जो इनके बारे में एक अच्छी आदत जो लगती है वो ये बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, पर साथ ही में ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी हैं। और मुझे जो इनके बारे में एक अच्छी आदत लगती है कि ये बहुत केयरिंग लविंग बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले और बहुत इमोशनल हैं। जी आपकी शादी कैसी हुई, अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? अरेंज मैरिज बेसिकली। वाओ इंटरेस्टिंग कैसे? हम लोग एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू हम लोगों का आगे रिश्ता बढ़ा है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था कि मेरा साइट वहाँ मेरा प्रोफाइल वहाँ उस साइट पे बना हुआ है। आपको पता ही नहीं था? नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, झूठ बोल रही हैं आप। नहीं बिल्कुल नहीं पता। अच्छा मम्मा ने प्रोफाइल क्रिएट किया था और वही हैंडल कर रही थी? जी बिल्कुल, वही लड़कों से इंटरेक्ट कर रही थी। और आपको बताया था कि मैं ऐसे ऐसे लड़का मुझे बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे लिए कोई रिश्ता ऐसे देखा जा रहा है, मेरी शादी की तैयारी प्लान कुछ हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। मम्मा मुझसे पूछती थी इनकी प्रोफाइल दिखा के तुम्हें लड़का पसंद है बेटा? और मैं बोलती थी नहीं नहीं पसंद है, क्योंकि हाँ बोलेंगे तो करवा दी जाएगी। इसलिए मैं बोलती थी नहीं। वो अलग बात है कि मैं चुपके से दूसरे कमरे में जाके वो फोन उठा के वो प्रोफाइल में जरूर इनकी देखती थी कि अच्छा ये ऐसा है, लेकिन जैसे ही उनके सामने आती थी नहीं 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 मुझे लड़का पसंद नहीं है। जी मिस्टर मिसेस कुलकर्णी आप बताइए ये अरेंज मैरिज है लव मैरिज है? तो ये लव है जो हम लोग ने अरेंज करवाई हुई है। क्या बात है, ऐसा था कि फोर्थ स्टैंडर्ड में हम लोग साथ में आ गए, ये थी बी डिवीजन में, मैं था ए डिवीजन में। जी। मेरा भाई था वो हम लोग से 2 साल बड़ा, वही स्कूल्स में था। मेरा भाई इनके साथ पहले इंट्रोड्यूस हुआ था क्योंकि इनका थोड़ा जो ये था कि एक ग्रुप्स था, जो ग्रुप्स में बहुत सारी एक्टिविटीज रहती स्कूल्स में, तो उस तरफ इसके और इंट्रोडक्शन हुआ था। अभी ऐसा था 6 में मुझे थोड़ा थोड़ा चालू हो गए थे भाई, हम लोग मैं भी इंट्रोड्यूस क्यों ना करूँ, अगर भाई 8 में है कि इसका इंट्रोड्यूस करा है तो मैं तो एक ही डिवीजन में हूँ, मैं क्यों ना करूँ। तो मैंने एक बार भाई को बोला भाई मुझे भी तो इंट्रोड्यूस करवा दे। तो एक दिन आया भाई, बोला आज इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो मैं बोला चलो, भाई लेके गया, भाई बोल रहा है ये मंदार तू तो पहचानते? मैं बोला पहचानता हूँ। वो दिन था रक्षाबंधन। ओए यार ये अभी ऐसा दिन आ गया कि मैं बोल रहा हूँ
भाई इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो ये तो राखी बन के खड़ी हो गई। मैं भाई की तरफ देख रहा हूँ, भाई ये जुड़वा रहा है कि तोड़वा रहा है? घर पे जाके तो मैं तोड़ दूंगा। इसके भाई मेरे पास आया और बोला कि देखो हम दोनों भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, तो कैन यू प्लीज टाइम मी राखी? तो आई सेड ओके, आई डोंट हैव एनी। आप समझ सकते हैं ना मेरी हालत। तो राखी तो मान ली, एक साल गुजर गया, सेवन स्टैंडर्ड से के 10th स्टैंडर्ड तक वही सिलसिला चलता था। वो सिलसिला हमारे शादी के बिफोर 2 इयर्स तक जारी था कि घर पे जा रहे राखी बांध रहे भाई दीच को ये कर रहे। आपके फैमिली फ्रेंड्स बन गए थे। बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स बन गए। जी जी। अभी ऐसा था, उसके बाद मैं जॉब के लिए गल्फ में था जी, वहां से मैं उसको कॉल्स करता था कि कैसे है क्या है। और तभी मेरे घर पे मेरी शादी की बातें चल रही थी, मतलब वी वर अरेंज मैरिज के लिए लड़के देखने चला था, तो मैं सोच रही थी कि यार इतना अच्छा लड़का क्यों इसको मैंने स्कूल में राखी बांधी, नहीं तो ये राखी नहीं बांधी होती तो शायद इससे मैं शादी कर लेती। तभी इट्स ऐसा था कि बस मैं वहां से मेरे फोटोज उसको भेजता था, तो इसे चल रहा था सिलसिला। मैं आ गया, सडनली मैं घर पे आया और मैंने उसको कॉल कर दिया कि आज हम लोग डिनर कर रहे हैं सुबह 7 बजे। स्लीपिंग में छुट्टी नींबू पानी। ओके तो शर्मैन बताओ क्या करना है? बहुत सिंपल है, आपको तो पता है, आपको बांधा हुआ है। बन तो गए हम लोग 8 साल पहले। आप साथ में यहाँ से वॉक करके आएंगे, आपके दोनों के मुंह में एक चम्मच होगा, चम्मच से आपको नींबू उठाना है, यहाँ आना है, बोल में डाल देना है। कम से कम समय में जिसके बोल में सबसे ज्यादा नींबू होंगे वो होगा इस गेम का विजेता। रेडी है? चलिए। थ्री टू वन गो। उठाइए उठाइए, शाबाश। वो बाहर एक गया, शाबाश। क्या बात है, क्या उठाया? आराम से आराम से। वेल डन वेल डन वेल डन। काटे की टक्कर। हाँ क्या बात है यार, वो उठा गया धनाप से। यस यस। गल्फ में भाई साहब लगता है नींबू नहीं मिलते थे आपको। हाँ तो क्या नहीं भाभी जी, बस एक उठाई पाती है फिर क्या?